लिटरेचर में भी अलग संघर्ष चल रहा है। हमारे समाज के साथ ही मलोचन पहली बार भी है जिन्होंने बड़ी बारीकी से इस विषय की गंभीरता को और इसकी दयनीयता को अपनी तरफ से लोगों को परिचित कराया है और शासन को भी परिचित कराया है। साथियों जरूरत इस चीज की है और हम भी 2005 से जो कैंपेन हमारा चल रहा था अभी भी उसकी इमेज कंटिन्यू चल रही है। एक जरूरत तो इस कार्यक्रम में लगी यहाँ पर आकर जिनके विषय को लिया गया है सीवर कर्मचारियों के विषय को लिया गया है उनकी संख्या मुझे नगण्य लगी। यूनियन के प्रतिनिधि तो है लेकिन कर्मचारी जिसकी समस्या पर चर्चा हो गई उनकी संख्या मुझे नहीं दिखाई दी। तो चेतना कैसे आएगी, संघर्ष कैसे खड़ा होगा, जिन लोगों के बारे में बात हो रही है, जिनकी स्थिति के बारे में बात हो रही है, परिस्थितियों के बारे में बात हो रही है, उन लोगों का जितना साथ नहीं होगा जब तक लड़ाई को सक्सेस रूप से आगे नहीं ले जाया जा सकता। कहीं ना कहीं इस कमी पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं सही कह रहा हूं 2005 से हमने जो दिल्ली में पेटिशन लगाई थी और हमारे साथी वेद प्रकाश बिड्डा जी अध्यक्ष काफी संघर्ष किया, काफी कंटिन्यूटी से काम किया, दिन रात काम किया और उस संघर्ष को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ले गए। अच्छा रहा कि डिसीजंस भी हमारे फेवर में आए। उसके बावजूद भी दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कर्मचारियों के हित में आदेश दिए, निर्देश जारी किए, उसके बावजूद भी कहां कमी रह गई कि जो सिविल कर्मचारियों को उनके अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए। जरूरत इस विषय पर काम करने की है। जब ये कोर्ट में केस चल रहा था और उसके कंटिन्यू कुछ डायरेक्शन से रेगुलरली आ रहे थे तो प्रशासन कुछ हरकत में आया, उसने कुछ सुविधाएं देनी शुरू कर दी। लेकिन जितनी एक सिविल कर्मचारियों की स्थिति को और उनकी मौतों को दुर्घटनाओं पर लेकर जितने हम गंभीर थे उस पिटीशन के साथ वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। साथियों कुछ एक छोटी छोटी चीजें उन्होंने शुरू की जैसे सिविल में नाम घुसने के लिए बोर्ड लगा दिए, कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा सा वो कर दिया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्क आज भी बदस्तूर जारी है और जो परमानेंट जो नियमित कर्मचारी है उनकी संख्या रेगुलरली घटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस काम की जो परिभाषा है सरकार की नजर में, भारत सरकार की नजर में, मैं सिर्फ पर्टिकुलरली दिल्ली की बात नहीं करता पूरे देश की बात करता हूँ क्योंकि आयोग पूरे देश में है, राष्ट्रीय कमीशन भी है और स्टेट कमीशन भी बने हुए हैं और सीवर का काम पूरे देश में चलता है। इस काम की परिभाषा क्या है, क्या ये अछूतों का काम है इसलिए उनको इंप्लीमेंट हो रहे हैं, क्या इस काम की डेफिनेशन ये है कि ये अछूत काम है या इस काम को एक काम मानकर इसके इसमें जुड़े हुए कर्मचारियों की दशा पर ध्यान दिया जाए और सरकार इसके लिए सोचे कि भाई नहीं ये अछूतों का काम नहीं है, ये एक काम है और इस काम में जो दुर्घटनाएं हो रही है और जो इसकी मतलब गंभीरता है और जो कठिनाइयां इस काम में को करने में आती है उस कर्मचारियों के हितों के लिए ध्यान दिया जाए। तो इस चीज में बहुत बड़ा अंतर है जो मुझे लगता है। आज तक हम यही बात करते आ रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला, सफाई कर्मचारियों की आज की दशा यही, जैसे हमारे प्रवक्ता साथ ही बात कर रहे थे कि उनकी आज की दशा यही, आज की दशा यही। तो जब कोर्ट मान चुका है, सुप्रीम कोर्ट मान चुका है, हाई कोर्ट मान चुका है कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा है, पिक्चर चला के देखा, डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई जिसको इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म फेस्टिवल में उसको सिलेक्ट भी किया गया, पूरे देश व्यापी उसका प्रदर्शन भी हुआ, लोगों को परिचय भी हुआ कि हाँ भी ऐसे भी कोई समस्या है, ऐसे भी कोई मजदूर है, उसके बावजूद भी सीवर कर्मचारी को वो न्याय नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कहीं ना कहीं मेरी नजर में ये है ठीक है कोर्ट के डिसीजन आए अच्छी बात है कुछ एक इंप्लीमेंट हुई लेकिन जिस संख्या में हम चाहते थे जिस लेवल पे हम चाहते थे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक क्रांति मजदूरों के बीच में, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं चाहे वो सरकारी सिविल कर्मचारी हैं, इन सबको यूनाइट करके उन अधिकारों को जो कोर्ट ने दिए उनको लेने की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़नी होगी। वरना कोर्ट तो साफ कह चुका है, मैं तो डिसीजन दे चुका हूँ, आपके हित में डिसीजन दे चुका हूँ, आपकी मर्जी है, ये आपका आपका अधिकार बनता है और आपकी सामर्थ्य में है आप इनको कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। तो साथियों जरूरत सिर्फ यही है कि मजदूरों को सीवर कर्मचारियों को एक वक्त एकता बंद करके और उनको उन अधिकारों के लिए प्राप्ति के लिए संघर्षशील बनाएं और जितना जल्दी वो संघर्षशील होंगे उतना जल्दी उनको डिसीजन मिलेंगे, वरना सिविल कर्मचारियों की दुर्दशा दुर्घटनाएं मौतें रेगुलर इंटरवल पे होती रहेंगी। कमीशन बनते रहेंगे जाते रहेंगे और कमीशन भी इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ रवि जी से
कि इस जिम्मेदारी को लें, इस जिम्मेदारी को लें और सीवर कर्मचारियों की समस्या को ये समझें कि हाँ जिस समाज से हम आए हैं उसी समाज के लोगों की ये परिस्थिति है, समस्या है, उनका दुख दर्द है और इसको हम कैसे हल करवा सकते हैं, ये डिसीजन से अपने दिल से लें और सीवर कर्मचारियों के साथ जुड़े, हम सब साथ आई और आप जीतेंगे कि और सीवर कर्मचारियों को न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा और उनकी मांगों का सिलसिला थम जाएगा। धन्यवाद साथियों।